ये काम के लिए तो पिलाती पिलाती है दुनिया का हर पति यही करता है। मंडे टू फ्राइडे इसको खिलाओ पिलाओ, सैटरडे संडे से मजदूरी करो। यही खिलाने के पीछे यही यही मकसद रहता है मेरा। वाले भैया दीदी बताइए, बदतमीज दीदी हो दबा रही नहीं, कहाँ पर ध्यान लगाओ अपने। Hey guys, welcome back to our YouTube channel. आज मैं हूँ पूरी एनर्जी के साथ क्योंकि आज से मैंने प्रण लिया है कि मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठूंगी, नहाऊंगी और नहाने के बाद पूजा करूंगा। ये बंदा हमेशा की तरह झाड़ू पोछा मारते हुए चीजों पे अगर आप में से कोई हेमंत को जानता होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हेमंत अपनी चीजों को लेकर कितना ज्यादा पॉजिटिव है। इतना ज्यादा है कि उसको हर चीज एकदम ऐसी चाहिए कांच की तरह चमचम चमचम चमचमाते हुए। हाँ अभी बजने का ही शायद 9 बजने वाले होंगे और हम अभी उठे हैं सो के। इसने उठाया था, उठाया मुझे उठाया था। मैंने कहा तुम भी सो जाओ, उसको खींचा उसको भी सुला दिया और ये भी सो गया। फिर अब दोनों 8 बजे उठे और मम्मी आई थी पता है रात को दरवाजे पे, तो मैं पता नहीं होगा शायद मम्मी को गर्मी लग गई थी। मम्मी लोग एसी के रूम की ना भी सर्विस नहीं कराई हुई है, मम्मी को रात को गर्मी लग गई। मुझे आवाज़ तो आई खटखट की, मेरे कौन होगा, फिर मुझे लगा कि शायद ऐसे मेरे कान बज रहे होंगे। अभी हेमंत को मैं काम देती हूँ, सबसे पहले आके पापा मम्मी के रूम की ऐसी की वो करो सफाई, क्योंकि बहुत गर्मी होगी दिल्ली में, अपना सो नहीं पा रहे पंखे में। उनके रूम में वैसे भी गर्म है उधर की तरफ, तो वहाँ बहुत दिक्कत होती है। तो अभी आज हेमंत को बहुत सारे काम है, टंकी साफ करने का काम पापा ने दिया था, एसी साफ करने का काम मैं दे रही हूँ। बेचारा कल से छुट्टी है, जब से तब से काम पे ही लगा हुआ है। रेल बनी है यार, मोटर क्या पानी के चक्कर में, पानी की पाइपलाइन जो ब्लॉक है। बट कोई नहीं, आज इतना काम नहीं है। अभी हार्डवेयर की दुकान में नए भी कम से कम 20-25 चक्कर भागाओ, मैं 10-10 मिनट के करा देता। तो चलो आप फटाफट से खड़े हो जाओ, तभी तो करोगे सफाई का, डेली टाइम लगेगा इसी की है। चल मेरे को जरा टूथपिक लगा दे, मेरे स्पीकर में वो ग्रिल में जरा डस्ट चले गई। दोस्तों आज बन रहा है घर में चीला, किस चीज का, किस चीज का, मूंग दाल का फेवरेट है। पर अभी पता, मैं मम्मी से 10 मिनट पहले ये कह ही रहा था, मम्मी आज अगर इसने भिगाया नहीं होता मेरा मैगी खाने का मन कर रहा है। खा लो इसको, तुम शाम को कल वही बना दूंगी, खराब थोड़ा ना हो रहा है। छोड़ अब कल मंडे है, फिर ऑफिस जाना है। तो मैं बना दूंगी ना सुबह नाश्ते में तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, बना दे इसको, अभी बना दे। जी जी, मैंने मोटू को पहली बार खिलाया था ना, उस दिन से मोटू को बहुत, बस एक ही दिक्कत है कि इसको बनाने में घंटों लग जाते हैं और ज्यादा बड़ी फैमिली हो रहा है तो 3-4 घंटे तक आदमी कहीं नहीं गए बनाने में, उसको क्रिस्पी करने में बहुत टाइम। थोड़ा एकदम स्पाइसी सा बनाइए, निकाला और इस प्लेट में डाला। इस प्लेट मम्मी ने पानी रखा होगा, पूरा दिख नहीं रहा, देखो पूरा पानी भर रखा है, ऐसे फट से गिरा। अच्छा लगा, इसके साथ में थी आंवले की चटनी। आंवले की चटनी का मुझे देखना दिखा रहा लोगों को। ये क्या कर दिया, एसी वाले भैया अंग्रेजी में नहीं बोलते। हाँ बहन जी बोलो, भैया जी बताइए, बदतमीज दीदी उठवा रही, कहाँ पर ध्यान लगाओ अपने, फालतू बात मत करो यहाँ पे आके। तूने एसी वाले भैया बोला, कल वो साइकिल वाले को दीदी बोल कर गए हैं, इससे पता चलता है कि मेरी उम्र हो चुकी है। मैं लोग सोच रहे होंगे साले कम से कम सर्विस तो बाहर से करवा लेते, तो उसका एक रीजन है नहीं करवाने का। आज तक मैंने जब भी मतलब बाहर से सर्विस कराई है, मैंने हमेशा नोटिस किया है विदिन 2-3 महीने के अंदर अंदर वो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाते हैं कि उसकी गैस लीक हो जाती है। फिर 2-3 महीने बाद उनको फिर बुलाओ, ये बात तो सच है। पिछले 2-3 सालों से मैं सर्विस कर रहा हूँ, उसके बाद से कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई है, मस्त कूलिंग ये चीज तो है। सर्विस मैंने गाइस ये धो दिए हैं, इसके जो भी उर्जे पुर्जे हैं जालियां वगैरह कुछ धुलने बाकी हैं, कुछ धुल गए हैं, गिर गया था। और साथ में हिम्मत वहां पर जाली वगैरह साफ करने में लगा हुआ है। तो गाइस अब हम करेंगे इसकी पीछे की जो जाली होती है उसको साफ, जहां से हवा निकलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा डस्ट आगे और पीछे इन्हीं चीजों में बैठती है, क्योंकि आगे से गैस अंदर वो अंतर हवा अंदर लेता है, पीछे से छोड़ता है। तो इसको थोड़ा करते हैं साफ इफेक्टिव कूलिंग के लिए। जिसको देख के हम ऐसे ही चिल्ड हो जाएंगे। सही
मम्मी ले जाओ। मम्मी को भी अपने काम पे ध्यान ही, मम्मी थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करने के लिए आ रही, क्या कर रहा है क्या कर रहा है। रात को हवा आएगी नहीं आएगी, कल रात भर सोई नहीं मम्मी, वैसे ही विश्वास है। तू पार्ट टाइम भी नहीं कर, सैटरडे संडे को एसी सर्विसिंग का काम करवा लो, तो चाहती हूँ तुम्हारी असिस्टेंट मैं बन जाऊंगी। 500 रुपए दिहाड़ी मेरी, 800 रुपए दिहाड़ी तुम्हारी। नहीं ये साफ करेगा, मैं उसको सामान ला के दूंगी। फैमिली बिजनेस एसी सर्विसिंग, कोटलिया एसी सर्विसिंग है। कितना गंदा पानी निकल रहा है एसी में से, पूरी मिट्टी मिट्टी फुल मिट्टी। और मानसी साफ कर रही है यहाँ जालियाँ बैक साइड की, हमारे ये हमारी पीछे की बालकनी है घर की। मैं बच्चों की तरह खेल करने में लगे, सफाई कर रहा, हम के पीछे 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 घूम रहे हैं, ठंडा लग रहा है। दरवाजा भी साफ कर रही है पीछे का, सही है कर दे आज पूरा स्वच्छ भारत अभियान हमारे घर की सफाई। इससे पता चलता है हम कितने ज्यादा वो हैं होशियार। घर का 90% काम खुद ही कर लेते हैं, प्लम्बर हो इलेक्ट्रीशियन हो, खुद हो सकता है, उसके लिए किसी और को क्यों बुलाना। सही बात है, मेरा मन नहीं है। और जब ज्यादा अच्छे से हो सकता है तो हाँ, जिस काम के लिए मैं खुद कैपेबल हूँ, मैं काम किसी और से क्यों करूँ, और वो भी पैसे दे के। सही बात है ना। नहीं यहाँ तो बहुत अलग, इसका थर्ड नहीं कर सकते, तुमको मैं बाहर का बेस ले लो। चाली गिर गई, हाँ अच्छे साफ किया हुआ है अंदर से। हाँ हाँ यकीन तो है ही नहीं बीबी पे, बस बस पानी से धोया तो पानी की बूंदे होंगी, अमृत थोड़ी ना होगा उसके अंदर। ये सफाई है। अच्छा तेरे को भूल गई थी क्या, सॉरी। ऐसा है ना, खुद ही कर लेते भी ठीक है, तब से लग रही है पीछे से। हाँ ये जाली लगाओ, जाली लगाओ पहले, जाली लगाओ। ये मिशन सक्सेसफुल, बोलो ग्रोथ नहीं जाएगी तेरे। ये बोलता है ना वो, तो कच्चा बनियान होते समय भी ग्रेट सक्सेस ही बोलता, ग्रेट सक्सेस, मैंने अपना कच्चा धो लिया। देखो तो उसका कच्चा धोने वाला ब्लॉग, मैं अपना कच्चा धो लिया। डन 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 डन, आज पापा खुश हो जाएंगे। पापा को तुम काम करते हुए अच्छे लगते हो ना, बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। जिस दिन हेमंत काम करता था पापा थे बेटा बेटा, जिस दिन हेमंत काम करता था हेमंत, इसके फट नहीं हिलते। ये है हेमंत का सेकंड टास्क, अब इसको गाड़ी धोनी है, टैंकी साफ करना है। मैंने कहा हेमंत पहले तुम डस्टिंग कर दो, क्योंकि मेरे को ना पूरा देखो नीचे पूरा पानी पानी हो गया, पूरा वाइपर मारना है, पोछा लगाना है। इंसान की 2 दिन की छुट्टी, इंसान सोचता होगा क्यों रहता हूँ मैं सैटरडे संडे घर। है हेमंत देख मैं जून में तो एक्सप्रेशन लेना चाह रही, क्यों रहता है ऑफिस पूरा हफ्ते खुले रहने चाहिए, नीचे डस्ट दे, कितनी डस्ट निकल गई, कम से कम कपड़ा तो मार दिया करो हमको यार। तुम हो ना 6 फुट के, किस लिए हो, किस लिए पाल के तुमको इतना हट्टा खट्टा कर रखा है हमने, और ये काम के लिए तुम्हें पिलाती पिलाती है। दुनिया का हर पद यही करता है, मंडे टू फ्राइडे इसको खिलाओ पिलाओ। यही यही मकसद रहता है मेरा, ये 1 किलो फ्रूट, इसीलिए कहते हैं सावधान इंडिया देखते रहा करो, वहाँ से मैं नई नई चालें सीखती पति से काम कैसे कराया जाए। वेरी गुड शाबाश शाबाश, तालियां बजती रहनी चाहिए इस लड़की के लिए। फिलहाल आप जरा ध्यान दीजिए ऊपर, और सब मेरे ऊपर फेंक रहे हो। गाइस नहा धो के आ गई हूँ, इतना सारा काम किया सुबह से, एसी की सर्विस ये वो, थक गए, तो यहीं पर कर लेती हूँ गाइस आप लोगों को बाय बाय। इस ब्लॉग का एंड यहीं पर कर रही हूँ, क्योंकि अभी 2:30 बज चुके हैं और सोने के लिए जा रहे हैं। और बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, आज का दिन इसे बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होता है कि हेमंत मिलता है काम करने के लिए और इतने अच्छे से सफाई करता है। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म कर रही हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस।